गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फिर से मेथी की भुर्जी बनाने जा रही हूँ और एक दो रेसिपी आपके साथ फिर शेयर करूंगी। तो चलिए मेरे किचन में मैं क्या क्या बनाती हूँ दिखाती हूँ आपको। ये लिए मैंने 1/2 kg मेथी और अब इसके साथ मैं भुजिया बनाने वाली हूँ और आपके साथ शेयर करूंगी। और ये लिया है बस 1 चम्मच छोटे वाला सरसों का तेल और इसमें 8-10 कलियां लहसुन की और थोड़ा जीरा और हींग। इसके लिए मैंने एक आलू लिया है, इसमें डाली है मैंने हल्दी, लाल मिर्च और थोड़ा सा नमक। ये थोड़ी देर आलू को फ्राई करके मेथी को फ्राई करेंगे बाद में। मेथी को इसमें डाल दिया है, स्वाद अनुसार नमक डाल के इसको मिक्स करेंगे। इसको मेथी को इसमें डाल दिया और थोड़ी देर फ्राई करेंगे। और जिन लोगों को मेथी की कड़वापन अच्छा नहीं लगता वो उसे ढके नहीं, लेकिन हमें अच्छा लगता है तो ढककर बनाएंगे इसको। थोड़ी देर 5 मिनट ढकेंगे, सिम गैस कर देंगे। 5 मिनट के लिए इसको एयर टाइट करके ढकेंगे और बिल्कुल सिम गैस कर देंगे। इतने में हमारे आलू मेथी अच्छे से गल जाएंगे और ये बन भी जाएगी। तो मैं आपको दिखाती हूँ अभी। फ्रेंड्स, मेरी सब्जी वगैरह सब बन गई है, मैं आपको दिखाती हूँ अपना। थोड़ा मैंने मंगवाया है कुछ अमेजोन से, ये साइज 2/8 है लेकिन ये छोटा है, 2/10 होगा तो लिया जाएगा, नहीं तो ये वापस जाएंगे। 2/8 मेरा साइज है लेकिन ये 2/8 भी छोटा है। इनकी पैकिंग वगैरह क्वालिटी भी अच्छी है बट इनका साइज बहुत छोटा है। 2/8 में मेरे को 2/8 आता है तो ये 2/8 बहुत छोटा लग रहा है। अब मैं कर रही हूँ मटर पनीर बनाने की तैयारी और आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कैसे इसी तरीके से मैं बनाती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। मैंने कढ़ाई रख दी है गैस पे, कढ़ाई को मैंने चढ़ा दिया है। इसमें डाला है 1/2 चम्मच घी और अब डाल देंगे प्याज। अब इसमें मोटा मोटा टमाटर डाला है मैंने और साबुत लहसुन की कलियां और प्याज और अदरक का टुकड़ा 1 इंच। थोड़ा सा घी डाल के इनको रोस्ट कर लेंगे, ठंडा होके ग्रेवी बना लेंगे। मटर के दाने में 1 सीटी लगवाएंगे, इनको अच्छे से धो के साफ और एक थोड़ा सा पानी चढ़ाएंगे। तो ये हींग जीरा तेज पत्ते के साथ में प्याज टमाटर लहसुन अदरक की ग्रेवी को पहले ही थोड़ा भून लिया था, अब ये हींग जीरे के साथ में इसको तेज पत्ता भी डाल दिया है थोड़ा सा। और इसमें हल्दी लाल मिर्च वगैरह सब मसाले जो भी हमें डालने हैं वो सब डाल के इसको थोड़ी देर और भुनेंगे। ग्रेवी में हल्दी लाल मिर्च कुटा हुआ धनिया थोड़ा सा गरम मसाला सब डाल के इसको थोड़ी देर भुनेंगे। तो सभी सूखे मसालों के साथ ग्रेवी अच्छे से पक चुकी है। मैंने रख लिया था बॉईल करके पानी, तो इसमें डाल देंगे जो रस्सा हमको रखना है उसी के हिसाब से। नमक भी डाल दिया है, ग्रेवी आपके ऊपर डिपेंड करती है, इससे थोड़ा गाढ़ा पतला जैसा भी रखना है। थोड़ी सी डाली है इसमें मैंने फ्रेश मलाई। अब डाल दूंगी पनीर, बॉइल्ड मटर। तो जो भी टाइम लगेगा हमें ग्रेवी भूनने और बनाने में लगेगा, बाकी हमारी सब्जी रेडी। ये देखिए, इससे थोड़ा गाढ़ा या पतला आप अपने ऊपर डिपेंड है, जैसा भी खाएं कर सकते हैं। कम मसाले वाली मटर पनीर की सब्जी बहुत टेस्टी बनी है। और ये बनाया हमने टमाटो सूप बिना किसी कलर के, बहुत ही टेस्टी। सूप की रेसिपी के साथ करते हैं ब्लॉग का एंड। बाय बाय।